हाय गाइस, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं ऑफिस जाने वालों के लिए एक वेट लॉस मील प्लान के, इसलिए आज मैं उनके लिए मील प्लान लाई हूँ जो काम पे जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं होता है कुछ बनाने को। इस मील प्लान की सारी रेसिपीज़ इजी हैं और जल्दी बनती हैं, प्लस आप इन्हें ऑफिस लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये खाना ख़राब नहीं होगा। ये प्लान काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसे आप 10 दिनों में 10 किलो तक कम कर पाएंगे। ये वीडियो आप इंग्लिश में मेरे पहले चैनल वर्सटाइल विकी में देख सकते हैं, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नए वीडियोस आप टाइम पे देख पाएँ। तो चलिए सुबह के नाश्ते से शुरू करते हैं। सुबह सबको जल्दी होती है और इसलिए नाश्ता सिंपल और ईजी होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, 3 उबले अंडे खाएं। सफ़ेदी और पीला पोर्शन दोनों लेना है। चिंता ना करें, पीले पोर्शन से वज़न नहीं बढ़ेगा बल्कि ये आपको लंच तक एनर्जी देगा। दूसरा ऑप्शन है, 1 बोल उबले हुए काले चने का लें। नमक, काली मिर्च और नींबू का जूस डालें। सब्जियां जैसे कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरे वगैरह डाल सकते हैं अगर चाहें तो। लोबिया, राजमा या सफ़ेद चने भी ले सकते हैं। बस सब्जियां फ्राई ना करें और कोई सैलड ड्रेसिंग ना डालें। चने और दाल में कैलोरीज कम होती हैं और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा। साथ में 1 कप ग्रीन टी का लेना ना भूलें। 2 से 3 घंटों के बाद 1 एप्पल और 1 कप गर्म ग्रीन टी का लें। एप्पल को आप आराम से ऑफिस लेकर जा सकते हैं। एप्पल को पूरा या इस तरह से काट कर स्लाइसेस पैक करके लेकर जाएं ताकि एप्पल काला ना हो। इसमें पेक्टिन फाइबर होता है जो वज़न कम करता है। अगर एप्पल से एलर्जी हो तो पेयर, कीवी या संतरा ले सकते हैं। ग्रीन टी के बैग्स लेके जाएं अगर ग्रीन टी घर से बनाकर लेकर नहीं जाना चाहते हो तो। लंच में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पेट भरा लेकिन इतना हैवी ना हो कि नींद आने लगे। साथ में खाने के डब्बे से लीक होने का डर भी ना हो, इसलिए लंच में आप लें कीनवा ओटमील। इस सुपर वेट लॉस ओटमील को बनाने के लिए 1 पैन लें और 3 टेबलस्पून ओट्स डालें। ओट्स कोलेस्ट्रॉल कम करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। अगर आपको थायराइड है तो ग्लूटेन फ्री ओट्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, 2 टेबलस्पून कीनवा फ्लेक्स का डालें। कीनवा एक कंप्लीट प्रोटीन है और ये ग्लूटेन फ्री है। फ्लेक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी बनते हैं, बिल्कुल ओट्स की तरह। अब आधा टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स या अलसी का पाउडर डालें। पाउडर इसलिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी अलसी के सारे फ़ायदे ले पाती है। अलसी ब्लड शुगर ठीक रखता है और एक्स्ट्रा चर्बी कम करता है। अब आधा टेबलस्पून चिया सीड्स का डालें। चिया में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है। यह हमारे पेट को ज़्यादा टाइम तक भरा रखता है ताकि हम ओवरईट ना करें। अब 4 से 5 अखरोट डाल रही हूँ। वॉलनट्स में काफ़ी गुड फैट्स पाए जाते हैं। अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो इसे यूज़ ना करें। अब आधा कप दूध डालें। मैं फ्री रेंज दूध यूज़ कर रही हूँ। फ्री रेंज दूध में नॉर्मल दूध से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि यह हार्मोन फ्री है। अगर किसी स्टोर में ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ख़रीद सकते हैं। दूध का कैल्शियम हमारी बॉडी के फैट सेल्स को हटाता है और वज़न कम करता है। अब 1 कप पानी डालें और गैस ऑन कर लें। जब 1 उबाल आ जाए तो गैस बंद कर लें। ये फ्लैट 5 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। अब एंड में 1 टेबलस्पून शहद डालें। शहद जमे हुए फैट सेल्स को हटाता है। मैं लीची हनी यूज़ कर रही हूँ। अगर ये ना हो तो सादी हनी यूज़ करें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की। और अब हमारा सुपर वेट लॉस किनवा ओटमील खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे सुबह या पहली रात को बनाकर रख लें। अगर सारा सामान हो तो ये 5 मिनट में बन जाता है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला, इसलिए ऑफिस लेकर जाने के लिए ये परफेक्ट है। इसके साथ 1 कप ग्रीन टी पिएं। ये रेसिपी में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है, और इसके कार्ब्स आपको शाम तक के लिए एनर्जी भी देंगे। ये आपको एक्टिव और हल्का रखेगा। 2 से 3 घंटों के बाद इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे 1/4 कप मूंगफली या कुछ बादाम या रोस्टेड चना दाल वगैरह। ध्यान रखें, ये फ्राइड नहीं होने चाहिए। साथ ही अपनी गर्म ग्रीन टी का लेना ना भूलिएगा। या फिर सुबह जो चने खाए थे वो भी ले सकते हैं, लेकिन सब्जियां या टमाटर ना डालें क्योंकि वो शाम तक ख़राब हो जाएंगे। नमक, मिर्च, नींबू वगैरह डाल लें। शाम को थोड़ा ज़रूर खाना है क्योंकि इससे भूख कंट्रोल में रहेगी और वज़न नहीं बढ़ेगा। अब दिन के आखिरी मील की बारी है और वो है डिनर।
जब तक घर आते हैं हम सब थक गए होते हैं और खाना बनाने का कोई दिल नहीं होता। ये मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ। रात के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला है स्पिरुलिना शेक, और इस शेक को बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडर में एक मीडियम साइज़ का केला लिया है। केले में फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च है जिससे वज़न कम होता है। नेक्स्ट, एक कप दूध और चिया पाउडर डालें। चिया पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रखता है और इसमें बहुत सारा फाइबर और प्रोटीन है। ये वज़न कम करने में काम आते हैं। अब नेक्स्ट, एक टेबलस्पून एकेशिया शहद डालें। ये मैं चीनी की जगह यूज़ कर रही हूँ। ये हनी 100% प्योर है और इसका फ्लेवर हल्का है। मीठे होने के बावजूद एकेशिया हनी में बहुत कम सुक्रोज है और काफ़ी ज़्यादा फ्रुक्टोज, इसलिए डायबिटिक्स के लिए भी अच्छी है। एंड में एक टीस्पून स्पिरुलिना पाउडर डालें। स्पिरुलिना एक सुपर फूड है और इसमें 50-70% प्रोटीन है। इसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और दूध के जितना कैल्शियम है। स्पिरुलिना में बहुत सारे बीटा कैरोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये एक बढ़िया डाइटरी सप्लीमेंट है। ये आपकी भूख कम करता है और वज़न कम करने में मदद करता है। स्पिरुलिना पे मेरे चैनल में एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसे आप देखकर स्पिरुलिना के फ़ायदों के बारे में जान पाएंगे। अब ब्लेंडर एक मिनट के लिए चलाएं और आपका सुपर वेट लॉस प्रोटीन शेक तैयार है। स्पिरुलिना को पानी के साथ लेना मुश्किल काम है, इसलिए सोचा ये शेक बनाकर आपकी लाइफ आसान करूं। आपकी शॉपिंग ईजी करने के लिए मैंने प्रोडक्ट खरीदने के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किए हैं। ये भूख कम कर फास्ट वेट लॉस करता है और बनने में भी काफ़ी आसान है। साथ ही ये ताकत भी देता है जो शरीर को पूरे दिन काम करने के बाद चाहिए होती है। दूसरा ऑप्शन है चिया पुडिंग। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स और फाइबर है। ये काफ़ी टेस्टी है और 2-3 मिनट में बन जाते हैं। सबसे पहले एक बड़े मुंह वाला जार या ग्लास लें। इसमें एक टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डालें। इसमें शक्कर नहीं होती, मतलब ये मीठा वाला चॉकलेट पाउडर नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून चिया सीड्स के डालें। कोकोआ पाउडर आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनाता है जो आपके मूड को ठीक करता है और भूख कम करता है, जिससे वज़न कम होता है। अगर मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो चिया सीड्स के बारे में अब तक आप जान गए होंगे। इसमें बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है जो पेट भरा रखते हैं और चीनी लेने की इच्छा कम करते हैं। अब 1 टेबलस्पून शहद डालें। मैंने दालचीनी वाला शहद लिया है। इसमें दालचीनी का एक्सट्रैक्ट है और आप जानते ही होंगे कि दालचीनी इंसुलिन लेवल कंट्रोल करती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। ये पेट की चर्बी भी कम करती है। फिर 1/2 कप नॉन फैट दूध डालें। आप बादाम या हेम सीड्स का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किम्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। दूध में कैल्शियम है जो हमारे बॉडी के फैट सेल्स को घटाते हैं और वज़न कम करने में मदद मिलती है। मैंने आम यूज़ किया है, हाउएवर आप कोई भी सीजनल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, जो ऊपर से चॉकलेट डाली है वो नहीं डालना है। चिया सीड्स को 1-2 घंटे लगते हैं बनने में, इसलिए सुबह बनाकर फ्रिज में रख लें या घर आकर पहले उसे बनाएं और फिर बाकी के काम करें ताकि रात के खाने के टाइम तक चिया फूल जाएं। कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी मील स्किप ना करें। 5-10 मिनट अपने बिजी स्केड्यूल से निकालें और खाना टाइम पे खाएं। याद रखें, कम खाने से वज़न कम नहीं होता है, सही खाना टाइम पे खाने से ही फ़ायदा है। सुबह नाश्ते में हार्ड या सॉफ्ट बॉयल्ड अंडे ही लेने हैं, फ्राइड या ऑमलेट ना लें। अगर ऑफिस में गर्म पानी ना मिलता हो तो 1 लीटर ग्रीन टी पहली रात को बनाकर फ्रिज में रख लें और ठंडी ग्रीन टी लेकर चले जाएं। या ग्रीन टी बैग्स के साथ फ्रेश ग्रीन टी बनाएं ऑफिस की टी कॉफ़ी डिस्पेंसर से गर्म पानी लेकर। शहद 2-3 रेसिपीज़ में डाला है और ये चीनी की क्रेविंग को कम करेगा, इसलिए अलग से चीनी नहीं डालनी या खानी है। ये 10 दिन कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड या मीठा नहीं खाना है। जो डाइट में है वही खाएं। 2-3 घंटे से ज़्यादा का गैप ना रखें हर खाने के बीच में। हर टाइम के खाने के ऑप्शंस दिए हैं ताकि एक ही खाना खाकर आप बोर ना हो। ये मील प्लान वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए है क्योंकि इसमें वेज ऑप्शंस भी हैं। सादा सफ़ेद नमक यूज़ करना बंद करें और हिमालयन पिंक सॉल्ट लें क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी बॉडी से निकालता है। पानी पीने पर कोई रोक नहीं है, जितना पीते हैं उतना लें। ये डाइट सिर्फ ऑफिस वाले ही नहीं बल्कि सभी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीदने के लिंक्स और कुछ सवालों के जवाब अपडेट करती रहूँगी।
इसलिए उसे प्लीज़ चेक करें सवाल करने से पहले। और हाँ, वीडियो शेयर करें ताकि उन सबको इस मील प्लान के बारे में पता चले जिनके पास टाइम नहीं है जिम जाने का। उनका वज़न बढ़ता रहता है और डिप्रेशन के शिकार होते रहते हैं, इसलिए उन्हें हेल्प करें ताकि वो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ पा सकें। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक औरों के लिए आपने बहुत काम किया है, इस बार अपने लिए मेहनत करें और 10 दिनों में खुद को एक्टिव और पतला पाएं। बाय बाय।